दोस्तों एक महान यूट्यूबर, मैं तो नहीं मानता लेकिन लोग मानते हैं, ध्रुव राठी। ठीक है। उसने एक हाल ही में वीडियो बनाया है स्कैम नाम से, कोई इलेक्ट्रॉन बोर्ड स्कैम। स्कैम तो हुआ है, सभी लोगों ने, सभी पार्टी ने किया है, लेकिन उसमें एक बीजेपी का नाम 20 बार लेता है। बहुत ही आराना लगता है, लेकिन कुछ सिद्ध नहीं करता है, बस कहता है अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आइए उस वीडियो का थोड़ा क्लिप देख लिया जाए। क्यों नहीं, असली घोटालों की बात करते हैं। इन सभी घोटालों में तीन एंटिटीज इन्वॉल्वड है। पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ये बीजेपी हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में या कोई भी और पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और तीसरा, आम जनता यानी पब्लिक। इन तीनों के नीचे एक बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा रखा है वो चंदे का डिब्बा है, कंपनी के नीचे जो डब्बा है वो कंपनी के पैसे का डब्बा है, और तीसरा, पब्लिक के नीचे जो डब्बा है वो सरकारी पैसे यानी जनता के पैसे का डब्बा है। अब सोचो अगर सरकार जनता के डब्बे से पैसे निकालकर कंपनी के डब्बे में डाल दे, और रिटर्न में कंपनी अपने डब्बे से पैसे निकालकर पार्टी के डब्बे में डाल दे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, क्या आप इसे एक स्कैम कहोगे या नहीं कहोगे? अभी बता दे। इस क्लिप को देख के क्या लगता है, जो ये सिद्ध करना चाहता है वो सिद्ध कर पाया है? नहीं। लेकिन एक बात है, स्कैम तो हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, सभी पार्टियों ने किया है। और मुझे बस मोदी जी से ये गुजारिश करना है कि आप पे लोगों ने भरोसा किया था और आप खुद को भगवान ना समझिए। क्या बोला तूने? ये जो स्कैम हुआ है ये बहुत गलत है, और आप सत्ता में हैं, आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए सभी आप पे ब्लेम करते हैं। बात तो सही है। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मुझे ध्रुव राठी को ध्रुव राठी के स्टाइल में ध्रुव राठी के क्लिप उठा के जवाब भी देना है। जैसा कि मान लो उसमें तीन लोगों का हाथ होता है, वो सरकार हो सकती है बीजेपी या कोई और पार्टी, दूसरा बिजनेसमैन जो सामान बेचता है, तीसरा जनता जो सामान खरीदता है। अब इन तीनों के सामने पैसों के डिब्बा रख देते हैं, पहला सरकार का पैसा, दूसरा बिजनेस का पैसा, तीसरा जनता का पैसा। सबसे पहले जनता ने अपने ज़रूरत का सामान खरीदा, पैसा बिजनेसमैन के पास चला गया, और बिजनेसमैन ने चाहे चंदा दिया चाहे टैक्स दिया, पैसा सरकार के पास चला गया। अब सरकार के पास पैसा पहुंच गया, अब सरकार उसको कैसे खर्च कर रही है, चाहे चुनाव लड़ रही है, चाहे गरीबों को घर बनाने के लिए पैसा दे रही है, शौचालय का पैसा दे रही है, पुल बना रही है या सड़क बना रही है, क्या ये भी स्कैम ही है क्या? बताइए ना ध्रुव राठी जी। मैं नहीं बताऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्रुव राठी का कहने का मतलब यही है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। खैर छोड़ो, मैं भी अगर पैसा वाला होता और कोई एडिटिंग करने वाले को नौकरी पे रखता तो छोटा छोटा क्लिप उठा के मैं भी वीडियो पे डाल सकता था, लेकिन ये सब मैं अकेला करता हूँ, तो जितना था आपको बढ़िया लगा होगा। अच्छा। मैं फंडिंग फैक्टर यूट्यूबर को एक और वीडियो का क्लिप दिखाना चाहता हूँ, सुधांशु त्रिवेदी का। आइए देखते हैं। पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में हुआ जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन दी, वो था राजस्थान। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो ईमानदारी से मिला कहना। जो माइन का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में मिला 11,000 करोड़ का, वो ईमानदारी से मिला, वो लेजिटिमेट था। सबसे बड़ा हाल के वर्षों में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला? केरल में, वो लेजिटिमेट था। ये रिश्ता क्या कहलाता है तो कि जो आपके साथ तीन प्राइम मिनिस्टर से लेके तीन चीफ मिनिस्टर तक होता रहेगा, वो तो लेजिटिमेट था। मगर जो दूसरे में दिखाई पड़ रहा है वही लेजिटिमेट था। और दूसरा मैं कहता हूं, अगर लेजिटिमेट था तो बताओ राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं कैंसिल किया? तो बताओ छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कार्रवाई की है? तो बताओ केरल की सरकार क्यों नहीं कैंसिल कर रही है? इसे कहते हैं रिश्ता तो ये है कि ऊपर से चिल्लाना है और पीछे से अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है, इसी कारण से आपकी यह स्थिति होती है। बात तो सही है। तो कैसा लगा महान यूट्यूबर ध्रुव राठी? सुधांशु त्रिवेदी का इस वीडियो पे भी कोई वीडियो बना ही देना लगे तो क्या जाता है, तुम्हारा फंडिंग तो मिल ही जाएगा। वीडियो खत्म करते हुए मैं मोदी जी से गुजारिश करना चाहूंगा, और इसी तरह चलता रहा तो आप जीतने की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता आपको देश का हित में काम करने के लिए लाए थे, सच्चाई के लिए लाए थे, धर्म के लिए लाए थे, उस रास्ते पे चलिए, खुद को भगवान मत समझिए, मेरा बस इतना ही गुजारिश है। ये बड़ी अच्छी बात कही है।